आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा का उत्सव पूरे विश्व के अंदर, विश्व क्या जो जीवन मुक्त आत्माएं जिन्हें गुरुपद की प्राप्ति हुई, वो आत्माएं भी जब उनके जीव धरा के ऊपर उन्हें याद करते हैं, वो आत्माएं भी सूक्ष्म रूप में जीवों के ऊपर कृपा करती हैं, उन्हें जीवन मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं, संतों का रास्ता दिखाती हैं, उस तरफ ले जाती हैं जो मानव का मूल उद्देश्य है। क्योंकि मानव अपने मूल उद्देश्य से अगर दूर हुआ तो फिर मानव के पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ पल का जीवन है इस संसार के अंदर, अगर एक बार ये मानव का शरीर छूट गया, अगर 84 के चक्कर में चढ़ गए तो एक बार चक्कर चढ़ते ही 3.75 करोड़ वर्ष के आसपास ये चक्कर पूरा होता है। अगर एक बार आप उस चक्कर में चढ़े तो उससे पहले कोई संतों की सेवा, किसी संतों की दृष्टि या उनकी कृपा अगर किसी जीव के ऊपर हो जाए, वो किसी भी योनि के अंदर हो, उन्हें मनुष्य का शरीर दिला करके सानिध्य में ले करके कृपा करके कल्याण कर दे, वो मार्ग अलग होता है। ये कभी कभी होता है, लेकिन गुरु की कृपा के बिना हमें ये ही नहीं पता चलेगा कि भजन किसका करना है, सुमरण किसका करें और क्यों करें, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत पड़ी है ध्यान लगाने की, और क्यों इतनी मेहनत की जाए हर रोज कई कई घंटे लगा करके टाइम लगाना। कुछ लोग इसको टाइम खराब करना भी मानते हैं, लेकिन जो उस परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलते हैं, उस सच्चे बादशाह के मार्ग के ऊपर चलते हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि टाइम खराब कहाँ होता है और टाइम का सही इस्तेमाल कहाँ होता है। क्योंकि ये शरीर जितने भी लोग हैं, चाहे कोई भी जीव हो, मिट जाने हैं, सब समाप्त हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। बचेगा कौन? वो जीव तरेगा जो भजन करेगा, सुमरण करेगा, जिसका हाथ पकड़ के गुरु ले जाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। गुरु का क्यों बोलते हैं कर्जा नहीं उतरता कभी भी? क्योंकि गुरु को किसी पदार्थ की, आपके धन की, आपके किसी सामान की, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत ही नहीं होती लेने की। क्योंकि जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, जिन्होंने साधना करके उस परमात्मा तक गए, उन्होंने
अपना जीवन यापन जो भी किया वो कर्म योग से किया, उन्होंने कर्म किए, किसी ने कोई कर्म किया, किसी ने कोई किया। आप उठा करके देखिए इतिहास, वो मांगने वाले लोग नहीं होते, वो बांटने वाले लोग होते हैं, वो कृपा निधान होते हैं। उनके अंदर जो ताकत होती है, उनकी जो आत्मा का तेज होता है, उनके शब्द के अंदर जो ताकत होती है, क्योंकि सोहम सोहम अगर कोई ये अनुभव कर रहा है, सोहम का, अहम ब्रह्मास्मि का, नेति नेति का, अगर कोई ये अनुभव कर रहा है, मुख से नहीं बोल रहा, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो सुना पढ़ा और बोल दिया, एक वो लोग होते हैं जो पहले अनुभव करेंगे, ध्यान करेंगे, उस स्थिति के ऊपर जाएंगे, फिर बोलेंगे। जो लोग उस स्थिति के ऊपर गए हुए हैं, अगर वो भी वहाँ नहीं टिक पाते, भ्रमवश, भूलवश, अज्ञानतावश और किसी कारणवश मन के वशीभूत हो करके नीचे की स्थिति में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ जाने के बाद नीचे की स्थिति नहीं आती, लेकिन सोहम तक की जो स्थिति है वो स्थिति नीचे आ जाती है। वो इसलिए नीचे आ जाती है, आप देखो जितने भी संत हुए, गुरु हुए, अवतार हुए, उन्होंने सबने मानव का शरीर लेकर के लोगों को सही रास्ता दिखाया, लेकिन शरीर मानव का लिया और हर बार उन्हें किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी उद्देश्य से, कुछ न कुछ लीलाएं करके, कुछ न कुछ मार्ग दिखा करके अपना काम पूरा किया और निकल गए। लेकिन जिनको हम अवतार मानते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, वो लोग पूजा के योग्य हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, लेकिन वो लोग ध्यान के योग्य मात्र माध्यम हो सकते हैं, कि बस माध्यम हैं, लेकिन प्राप्ति के योग्य वो पूर्ण परमात्मा है जो कभी किसी गर्भ में नहीं आता। आप ये समझो, जो गर्भ में आते हैं वो पूर्ण परमात्मा नहीं है। योगी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, कलाधारी हो सकते हैं, ताकतवर हो सकते हैं, अंशयुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो कभी अवतार नहीं लेता। जिनके एक अंश के अंदर अनेकों अनेक देवी देव घूमते रहते हैं। सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें ये पता करना होता है, हमें ध्यान किसका करना है। जब हमें ये पता चल जाए ध्यान किसका करना है, ये बताता कौन है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्होंने कहा मामेकम शरणम ब्रज, कि मेरी शरण में आओ। लेकिन इस वाक्य का प्रयोग बहुत से लोग इस उद्देश्य से करते हैं कि तुम लोग मेरी शरण में आ जाओ, और उनके शिष्य भ्रमित हो करके उन्हें पूर्ण परमात्मा मान करके और ये समझ करके कि यही परमात्मा है, हम तो इन्हीं की शरण में हैं, यही कल्याण करेंगे, इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, और उनके शरणागत हो जाते हैं। लेकिन इस लाइन का ये अर्थ नहीं है कि तुम मेरी शरण में आओ,
इस लाइन का अर्थ बोलने वाला जो है, जो उस समय के ऊपर ताकत जो स्वयं के अंदर स्थित थे, ब्रह्म के रूप में जो स्थित थे, जो आत्मा की पुकार थी, जो पूर्ण गुरु थे, वंदे कृष्णम जगत गुरु, क्योंकि उस समय के ऊपर कृष्ण से ऊपर इस ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं थी। याद रखिए, मैंने इस ब्रह्मांड के अंदर बोला है, क्योंकि उससे परे भी ऐसी ताकतें हैं जिनके अधीन ये सारे ब्रह्मांड अवतार और सब चीज़ें उनके कंट्रोल में रहती हैं, उनकी पकड़ में रहती हैं। लेकिन कोई भी वो परम तत्व उसको इस धरा के ऊपर जन्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, और जो वो तत्व है न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न पैदा होता है, वो अलग तत्व है। और वो तत्व आपके अंदर भी विराजमान है, श्री कृष्ण के अंदर भी विराजमान है, राम के अंदर भी विराजमान है। ये बड़े गहरे रहस्य की बात है कि राम के अंदर भी वो तत्व, वो राम, वो परमात्मा, वो पूर्ण पुरुष विराजमान है, और आपके अंदर भी वही तत्व विराजमान है। क्योंकि जब आप पढ़ते हो पुस्तकों को, सुनते हो कथाकारों से, लीलाओं के बारे में गुणगान करते हो, देखते हो, मानते हो, वहाँ जा कर के स्थानों को देखते हो, तो आप ये समझो ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं उस स्थिति के अंदर बहुत कम लीलाएं होती हैं, क्योंकि उस स्थिति के अंदर विचार शून्य स्थिति होती है, संकल्प और विकल्प आसपास भी नहीं होते, और कोई भी लीला जीव भाव आए बिना, संकल्प विकल्प आए बिना लीला हो ही नहीं सकती। चाहे इस ब्रह्मांड के अंदर कितने भी देवी देव हो, कोई भी हो, तो आप ये समझो कि वो अवतार शरीर के अंदर रहते हुए भी जीव भाव में आ जाते हैं, और हमारी आपकी तरह से संसार के अंदर रहते हैं। लेकिन हमारे और आप उनके अंदर भेद क्या है? फिर वो हमारे से श्रेष्ठ क्यों है? बहुत से सवाल पैदा होते हैं ना। वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वो संसार के अंदर रहते हुए भी वो संसार में लिप्त नहीं होते, यानी वो संसार के अंदर रहते हुए भी संसार में फंसते नहीं हैं। वो जल के अंदर रहते हुए भी वो भीगते नहीं हैं, यानी संसार रूपी जल के अंदर रहते हुए भी वो भीगते नहीं हैं। ये इतना बड़ा भेद होता है, क्योंकि गुरु और वो परमात्मा, उसके अंदर भी वही ताकत है, अवतारों के अंदर भी वही ताकत है, और गुरु पद जिसको प्राप्त हुआ, संत जिन्होंने उसको पहचान लिया, जान लिया, शब्द की प्राप्ति हो गई, उनके अंदर भी वही सत्ता है, उन्होंने उसको पा लिया। पाना खोना कोई दूर नहीं होता। जब आप कथाकारों से सुनते होंगे, वैकुंठ का वर्णन करते हुए, लीलाओं का वर्णन करते हुए, गोलोक का वर्णन करते हुए, साकेत का वर्णन करते हुए, वो ऊपर की ओर इशारा करते हैं कि आप वहाँ जाओ, पार्षद लेने आएंगे, रथ आएगा, वहाँ जाओ, वहाँ परमात्मा इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन संत जो होते हैं उन्हें अनुभव होता है, वो ऊपर की ओर इशारा ना करके आपके अंदर की ओर इशारा करते हैं कि आप अंदर में जाइए, ध्यान में जाइए,
सुमरण में जाइए, गहराई में चले जाइए, खोज में चले जाइए, आत्म तत्व तक चले जाइए, स्वयं तक पहुँचिए, विचारों के ऊपर पकड़ बनाइए, वो अंदर लेकर के जाएंगे आपको, लेकिन वो बाहर घुमाएंगे। ये अंतर बस अनुभव का अंतर है, क्योंकि संत कर्म में लिप्त नहीं होते। संत कर्म करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। इसी प्रकार से अवतार भी कर्म करते हुए अकर्ता रहते हैं। उस स्थिति के अंदर